नमस्कार, ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमने अभी तक अध्ययन किया आदिकाल का और भक्तिकाल। भक्तिकाल के अंतर्गत हमने भक्ति शब्द का अर्थ और भक्तिकाल की जो धाराएं थी उनके बारे में सामान्य परिचय पढ़ा। भक्तिकाल के दो शाखाएँ हुई, निर्गुण और सगुण। आगे जाकर निर्गुण शाखा भी दो भागों में बटी, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा, और सगुण काव्य जो शाखा है वो बटी दो भागों में, राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण काव्यधारा। क्या है निर्गुण काव्यधारा उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं BA फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत भक्ति काल, और भक्ति काल के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं आज निर्गुण काव्यधारा। भक्तिकाल की जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के कवि हुए, दो धाराएं हुई, एक निर्गुण और दूसरी सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा आगे जाकर ये भी दो भागों में विभक्त हुए, जो इस प्रकार से है। निर्गुण काव्यधारा में कवि के जो ईश्वर का वो निर्गुण निराकार रूप उसकी आराधना की जाती है, और ये दो धाराएं हैं संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा, जिसे कि ज्ञानश्री और प्रेमश्री नाम से जाना जाता है। ज्ञान मार्गी भी कहा जाता है इसे, और इसे कहा जाता है प्रेम मार्गी। संत काव्यधारा नाम दिया इसे रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने इसे कहा संत काव्य, और ज्ञानश्री नाम दिया हजारी प्रसाद। ज्ञान मार्ग की नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और ज्ञानश्री कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानश्री प्रेमश्री नाम दिए, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे नाम दिया ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो ये दो भाग हुए निर्गुण काव्यधारा के। आगे बढ़ते ही इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए दूसरी काव्यधारा जो है वो है सगुण की। सगुण के अंतर्गत ईश्वर का एक साकार रूप होता है जिसकी आराधना की जाती है, जिसकी भक्ति की जाती है। तो ईश्वर इसमें कवि जो है ईश्वर के सगुण और साकार रूप की, निर्गुण में निराकार रूप कोई आकार नहीं होता, और सगुण में साकार रूप की आराधना की जाती है। निराकार से तात्पर्य है निर्गुण निराकार की उपासना होती है निर्गुण में, जिसका कोई रंग रूप आकार निश्चित ना हो, सगुण में साकार रूप की आराधना की जाती है। इसकी भी दो शाखाएं होंगी, एक राम भक्ति काव्यधारा और दूसरी कृष्ण भक्ति काव्यधारा। आइए आगे इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं क्या है निर्गुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा की जो पहली धारा है वो है संत काव्यधारा, जिसे कि हमने ज्ञानश्री और प्रेमश्री भी कहा। ये ज्ञानश्री भी कहलाई और ज्ञान मार्गी भी कहलाई। तो संत काव्यधारा के प्रमुख कवियों का परिचय हम आज करेंगे। संत काव्यधारा के अंतर्गत कौन कौन से कवियों के नाम आते हैं और उनका काव्य क्या रहा। तो संत काव्यधारा के प्रमुख कवि देखें तो सबसे प्रमुख कवि हैं संत काव्यधारा के कबीरदास। कबीर की रचना है बीजक, और जिसमें तीन भाग हैं साखी, शब्द और रमैनी। दूसरे हैं रामानंद, जो कि भक्ति उत्तर भारत में भक्ति को लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। और तीसरा नाम आता है संतों के अंदर श्रेष्ठ जो है वो है नामदेव। तो आइए इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कबीर। कबीर जो है संत परंपरा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि। अगर लघुतरात्मक प्रश्न आता है और पूछा जाए कि संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन रहे, तो उसके अंतर्गत आता है कबीरदास का नाम। और इनके जन्म के समक्ष में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, और कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और जनश्रुतियों के आधार पर इनका जन्म माना जाता है 1398 ईस्वी और मृत्यु 1518 ईस्वी। तो ये 120 वर्ष तक जीवित रहे थे। और ये जो है नीरू और नीमा, इनके माता पिता का नाम था। ये इनके माता पिता, इन्होंने इन्हें जन्म नहीं दिया था, बल्कि कबीर को ये तालाब नदी के किनारे से उठाकर लेकर आए थे। तो कबीर इन्हें मिले थे नीरू और नीमा को। तो कबीर के जो संरक्षक थे, जो माता पिता कहलाए, वो थे नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति थी, जाति के जुलाहा थे। और इन्होंने ही कबीर का लालन पालन पोषण किया था।
और ये बाद में ये बड़े होकर कबीर नाम से जाने गए। कबीर के गुरु के अंतर्गत नाम आता है वो है रामानंद। रामानंद कबीर के गुरु कहलाए। कबीर निरक्षर थे और इनकी ही पंक्तियां हैं, इन्हीं से संबंधित हैं। वो कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। और कबीर की रचना का नाम है बीजक। अब आप कहेंगे कबीर खुद निरक्षर थे और इनकी रचना का नाम बीजक, ये कैसे संभव? तो इनकी रचना है बीजक, जिसका कि संकलन किया इनके शिष्य धर्मदास ने। ये स्वयं तो निरक्षर थे, परंतु इनके पदों को, इनके दोहों को लिखने का कार्य किया इनके शिष्य धर्मदास ने। तो कबीर की रचना बीजक है, जिसको लिखा है इनके शिष्य धर्मदास ने। कबीर अनपढ़ थे, निरक्षर थे, और इन्हीं के शिष्यों ने, ये आगे बात आगे, इनके शिष्यों ने कबीर की वाणी को सजोकर रखा और उसे पुस्तक का आकार दिया। और उनकी पुस्तक का नाम है बीजक, जिसके तीन भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। कबीर ने जीवन भर धार्मिक और सामाजिक अंधविश्वासों, आडंबरों का विरोध किया। इन्होंने निर्गुण निराकार की उपासना की, जाति पाति का इन्होंने विरोध किया, गुरु के महत्व को इन्होंने उपयोगिता दी, नारी के कामिनी रूप की निंदा की, माया का विरोध किया और रहस्यवाद को भी इन्होंने अपनाया। इन्होंने आडंबरों का विरोध करते हुए कहा है, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लियो बनाए, ताजड़ी बुल्ला बाग दे क्या बहरा हुए खुदाए। और आडंबर के विरोध से ही संबंधित इनकी एक पंक्ति और है, पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूज पहार, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। तो ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे और ये कह रहे हैं कि यदि पत्थर को पूजने से हरी मिलता है तो मैं पहाड़ की पूजा कर लूँगा, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। उस पत्थर से तो ये चक्की भली है, चक्की ज़्यादा उपयोगितापूर्ण है, जिसका पीसा हुआ इंसान खाता है। तो ये मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। आगे बढ़ते हैं, और अगला नाम है रामानंद का। ये कबीर के गुरु थे और रामानंद जी का, इनके जन्म का, इनके निधन का, इस जीवन के संबंध में कोई भी प्रामाणिक जानकारी हमें नहीं है। और ये उत्तर भारत में जो है भक्ति को लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, रामानंद को। और 15वीं शताब्दी में इनका उत्तरार्ध हुआ, ये इनका आना हुआ, इनकी शिक्षा दीक्षा हुई काशी में और ये रामानुजाचार्य के शिष्य कहलाए। रामानुजाचार्य इनके गुरु थे। अगला नाम है नामदेव का। नामदेव महाराष्ट्र के थे, तो ये महाराष्ट्र के भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए और सतारा जिले के नरसी बैनी गांव में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु का नाम विसोबा खेरव था और नामदेव मराठी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में लिखा करते थे, भजन गाते थे। हिंदू और मुसलमानों की रूढ़ियों का इन्होंने विरोध किया। तो नामदेव महाराष्ट्र के थे और हिंदी में और मराठी में दोनों ही भाषाओं में लिखते थे नामदेव। आगे बढ़ते हैं और सूफी काव्यधारा के बारे में देखें। दूसरा भाग जो था सूफी, जिसके प्रमुख कवियों में देखें मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंजन, उस्मान इत्यादि कवियों के नाम आते हैं। ये प्रेमाश्रय यानी कि प्रेम मार्गी काव्यधारा के कवि हैं, प्रेमाश्रय भी कहलाइए। तो इसके अंतर्गत नाम है मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख नाम है, जिनकी रचना है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत। मुल्ला दाऊद का है चंदायन, इनकी रचना का नाम है, और कुतुबन की है हंसावती। तो इन तीनों की, ये तीन रचनाएं हैं। आगे इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 में हुआ और रायबरेली जिले में हुआ। और मलिक मोहम्मद जायसी के बचपन का नाम था मलिक शेख। मलिक शेख नाम से बचपन में ये जाने जाते थे और जायस के रहने वाले थे, इसी कारण इनका नाम पड़ा जायसी। जायस के निवासी थे तो इस कारण ये जायसी कहलाए। और इन्होंने प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि। इनकी रचनाएँ हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा इत्यादि। ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं के नाम हैं। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनका सूफी काव्य जो है वो है पद्मावत, इनकी कीर्ति का आधार है। और इनकी प्रमुख रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत। आगे बढ़ती है, अगला नाम है मुल्ला दाऊद, इनकी रचना है चंदायन। मुल्ला दाऊद ने लिखा चंदायन और इसकी रचना हुई 1379 ईस्वी में
और यह प्रेमाख्यान परंपरा का दूसरा काव्य है। अगला नाम आता है कुतुबन। कुतुबन की रचना का नाम है मृगावती। कुतुबन ने लिखी मृगावती और इसकी रचना हुई 1503 में। ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और इनकी भाषा जो हम देखें तो भाषा मिलती है अवधी। इनकी कुतुबन की भाषा भी अवधी है ये, और मुल्ला दाऊद के चंदायन की भाषा भी अवधी है। और इसी के साथ साथ जायसी का जो पद्मावत हमने पढ़ देखा इससे पूर्व, उसकी भाषा भी अवधी ही है। पद्मावत भी अवधि भाषा का ही ग्रंथ है। तो ये हमने देखा मुल्ला दाऊद, कुतुबन और मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। तो हमने पढ़ा निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा की जो दो शाखाएं हुई, जिनके अंतर्गत निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनके काव्य के बारे में, और सूफी काव्यधारा के अंतर्गत तीन कवियों के नाम हमने देखे, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। अन्य नाम आते हैं इसमें ईश्वरदास, इनकी रचना है सत्यवती, कुतुबन की मृगावती, गणपति चंद्र गणपति की है माधवन अलकाम कंदला, और मंझन की मधुमालती, आलम की माधवानंद कामकंदला इत्यादि नाम आते हैं। इससे आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे सगुण काव्यधारा, जिसकी दो शाखाएं हुई राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो इससे आगे की कक्षा में हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली सगुण काव्यधारा से के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप अपने स्तर पर इसका अध्ययन कीजिए। इससे आगे की कक्षा में हम मिलेंगे सगुण काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के साथ, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा। धन्यवाद।